तो दोस्तों Realme आपके लिए लेके आ चुका है फिर एक बेहतरीन बजट फोन। हमारे पास है आज Realme 12X 5G और भाई X से आपका गहरा नाता जुड़ा है, जो कि अंडर 12,000 के अंदर आने वाला बेस्ट फोन होने वाला है। इससे पहले हम लोग Realme 12, Realme 12 Pro और Realme 12 Pro Plus अभी रिसेंटली में Realme ने लॉन्च किया है और कम बजट में Realme 12X लेके आ चुका है। इसका डिजाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, गेमिंग सारा चीज आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो पर इन तक बने रहे और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मैं तो एक्साइटमेंट हूँ Realme 12X का अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो पहले करते हैं इसका अनबॉक्स हमारा फोन। तो इसको करते हैं पहले अनबॉक्स। तो भाई ये हमारा बॉक्स खुलने जा रहा है, इसके अंदर देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। इसके अंदर हम लोग को मिलेगा एक केस कवर और ये इसका क्यूब गाइड और ये ही इसका केस कवर जो कि ट्रांसपेरेंट है और बहुत सॉफ्ट है। हम लोग को इसके अंदर मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन। ये रहा हमारा फ़ोन। इसके अंदर हम लोग को मिलता है चार्जर जो कि है हमारा 45 वाट का हम लोग चार्जर एडाप्टर देखने को मिलता है। इसके अंदर है हम लोग का ये हमारा टाइप सी केबल। तो चलिए इन सबको करते हैं साइड और ये हमारा फ़ोन। भाई फ़ोन को करते हैं अभी हम लोग ओपन। तो ये देखिए इसका फर्स्ट लुक, वाह कितना प्रीमियम है। तो अभी फ़ोन को हम लोग ऑन कर लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे साइड के डिजाइन। तो पीछे साइड हम लोग को पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है कि भाई जो लुक वाइज पीछे के डिजाइन है Realme ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए। तो भाई इसमें दाग भी नहीं पड़ेगा, तो इस प्राइस रेंज सेगमेंट काफ़ी अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है। इसका वेट की बात करें तो लगभग आप लोग का ये 189 ग्राम इसका वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। बात करूँ तो आप लोगों को वॉल्यूम अप डाउन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पास आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है और यहाँ पास आप लोग को ए वाओ एक मिनी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। ओ भाई इसमें है 3.5 mm जिनका हम लोग को गड्ढा दिख जाता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा है। ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, इसमें 3.5 mm जैक है और इधर आप लोग की स्पीकर है ये टाइप सी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले। इसमें आपको 6.72 इंच का LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आप लोग को 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ ये फ़ोन आता है। इसमें आप लोग को पांडा ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको HDR का सपोर्ट है। इसमें आप लोग को 950 nits का आपको ब्राइटनेस देखने को मिलता है। आप लोग को LDDR4X रैम देखने को मिलता है। तो आप इसका मल्टीटास्किंग देख सकते हो, तो मल्टीटास्किंग के मीडियम में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसमें आपको दो वेरिएंट कलर आता है, एक आप लोग को ग्रीन में मिल जाएगा और दूसरा आप लोग पर्पल कलर देखने को मिल जाता है। तो आज हमारे पास लाइट पर्पल। और इसकी यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको 1440p 60fps पर आप वीडियो प्ले कर सकते हैं यूट्यूब पर। एनीवे बोलो तो बजट अनुसार काफ़ी अच्छा है, यहाँ पास आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरेज में। आप लोगों को 4 128GB 128GB 8 128GB आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, बाकी ये एक्सपेंडेबल रैम है। ये बात चेक करते हैं इसके स्पीकर। भाई यहाँ एक स्पीकर दिए ऊपर में दिए, तो इस प्राइस रेंज में आप लोगों को इस फोन में स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलता है। बाकी आप फोन लोगे तो आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता। भाई ये 12,000 के अंदर आने वाला हमें स्टेरियो स्पीकर, चलो टेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो अभी फेवरेट में क्या चल रहा है, गुलाबी साड़ी। तो चलिए करते हैं। ये हो गया फुल और इसके बाद अब 2x फुल देखिए। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी। भाई अगर हम फोन ले रहे हैं तो उसमें हम लोग का कैमरा क्वालिटी अच्छा निकल के होना चाहिए। तो इसमें आप लोग को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक में आप लोग को 50 MP का वॉइस कैमरा मिलता है जो कि AI कैमरा है और दूसरा इसमें 2 MP देखने को मिलता है बस। और इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलता है। बाकी भाई 12,000 के अंदर इस प्राइस रेंज में अच्छा फोन है। फ्रंट साइड आप लोग को 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो हे गाइस अभी मैं Realme 12X से फ्रंट से वीडियो बना रहा हूँ 1080p 30fps पर। इसमें आप लोग को 60fps नहीं देते बट भाई प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही बेस्ट कैमरा है। कोई बात नहीं, आपको 10 से 11,000 के अंदर में फ़ोन आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30fps है और उसका क्वालिटी आपको देख सकते हो। बाकी इसमें हाई क्वालिटी आप फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 8 MP है लेकिन आप क्वालिटी आप खुद देख सकते हो।
बहुत बेहतरीन आपका क्वालिटी आ रहा हूँ बैक से 1080p 30fps पर, तो आप बैक का आप क्वालिटी देख सकते हैं इसमें। हाँ अल्ट्रा वाइड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा ये कि हम लोग को कैमरा क्वालिटी दे रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप सस्ते में फ़ोन खरीदना चाहते हो ऑफलाइन मार्केट से, तो आप आ सकते हो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में 466 में राजू प्लाजा के अपोजिट साइड जिला अस्पताल के सामने करण वे, जहां आप लोगों को सबसे बेस्ट प्राइस में सभी प्रकार के लेटेस्ट फ़ोन देखने को मिलेगा। और यहां खास बात यह है कि सबसे पहले फ़ोन रिलीज होने पहले यहां पर आपको लाइव डेमो फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहां जीरो फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, मतलब 10 से 15 मिनट में आप अपना फाइनेंस करके फ़ोन लेके जा सकते हो। यहां आपको सभी ब्रांड के ऑथराइज्ड डीलर भी है, एक बार जरूर विजिट कीजिए करण मोबाइल। इसमें अगर फीचर की बात करें तो कैमरा में भी आपको बहुत सारे फीचर देखने मिल जाते हैं, जैसे नाइट मोड देखने मिल जाता है, स्ट्रीट के मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, वीडियो में आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में अच्छा है। फोटो भी आपको क्वालिटी देखने को मिलता है, फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट है, मोर में आपको बहुत सारे फीचर देखने मिल जाते हैं, देखो प्रो का है, पैनो है, फिल्म है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स है, डुअल व्यू वीडियो है, टेक्स्ट स्कैन। अब भाई इसमें एक फीचर अच्छा लगा डुअल व्यू का, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपका बैक और फ्रंट, देखो बैक और फ्रंट दोनों से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप रील वगैरह बनाते हो या आप मिनी ब्लॉग करते हो, घूमने गए हो, तो उसके लिए आपका ज़्यादा अच्छा है। देखो आपका ये बैक से भी शूट हो जाएगा, फ्रंट से आपको वीडियो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करो और डायरेक्ट आप लोग सॉन्ग एड करो और डाल दो। तो ये फीचर मेरे को अच्छा लगा, इससे आप घुमा भी सकते हो, जैसे आपको फ्रंट के नीचे चाहिए बैक के ऊपर चाहिए, तो आप इसको जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो ये अच्छा लगा हम लोग को। यहाँ से इसमें फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हो, आपको यहाँ पर गोल करना है, देखो ये फीचर, जैसे आपको आपका अपना सर्कल को आपको गोल में रखना है, बाकी आपको ऑब्जेक्ट को दिखाना है, एक को ऐसा कर सकते हो। इसमें एक मोड और तीन आपको देखने को मिलता है, ये बबल का है, स्प्लिट का है और ओ ब्लॉक का है। इस पर आप देख सकते हो ऐसे डिब्बा में आ गया आपका आकार, और मेरे को ये वाला अच्छा लगा गोल वाला। आप देखो इससे अगर आप शॉर्ट वगैरह वीडियो बनाते हो तो आपके लिए अच्छा है, बैक से आप कुछ दिखा दो और आप ऊपर में आपका छोटा सा स्क्रीन ऐसा चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर, भाई डिजाइन डिस्प्ले में तो फ़ोन तगड़ा निकल के आता है, क्या है? प्रोसेसर भी निकल के आता है। तो इसमें हम लोग को डायमेंसिटी 600 प्लस 5G चिपेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि भाई 12000 के अंदर आने में काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर है। इसका अंतु स्कोर भी 400000 के करीबन आता है। बाकी इसमें आप लोग को BGMI गेमिंग अच्छा से खेल सकते हो। भाई इस सेगमेंट में आने वाला इस फोन में काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। हम लोग फोन को बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, इसमें गर्मी के दिनों है हल्का हीटिंग प्रॉब्लम हुआ, बट ज्यादा हीट नहीं हो रहा है फोन। इसमें आप आराम से अच्छे से गेमिंग खेल सकते हो, क्योंकि इसमें भाई VC कूलिंग दिया है, तो आपका जो है फोन जल्दी हीट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं, तो इसमें आपको 5000mAh के बैटरी देखने को मिलता है। साथ में इसमें 45W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। भाई इस प्राइस सेगमेंट में आपको 45W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। बाकी इस प्राइस रेंज के आप फोन में देखोगे तो आपको 45W का फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को 33 ही तक मिलेगा। और भाई इसका चार्जिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसमें आपको 2 ईयर का वॉइस अपडेट एंड 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको एयर गेस्चर का फीचर मिलता है, जिसमें आप अपने हैंड से फोन को स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हो। देखो आप रील देख रहे हो इंस्टाग्राम में, तो आप अपने हैंड से ऊपर करो नीचे करो आपका रील। ये रहा Realme 12X 5G का फुल रिव्यू वीडियो। बाकी मैं बात करूँ इस फोन में, तो आपको इसमें डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोग को अच्छा देखने को मिल जाता है, 5G फोन है और बजट फोन है, साथ में इसमें आपको अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और भाई मैं बात करूँ इस प्राइस रेंज में, तो काफी तगड़ा प्रोसेसर जो 15000 के फोन में आता है वो प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है। स्पीकर लाउड है, कैमरा क्वालिटी अच्छा डिसेंट निकल के आ जाता है। तो इन सब को बात करूँ तो ये अराउंड से 12000 के अंदर आने वाला बेस्ट फोन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यही करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, तो इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।